तुर्की ने दिया बड़ा झटका, हमास के मुखिया से कहा हमारे मुल्क से निकल जाओ। कांग्रेस सरकार आते ही पहले की तरह किसानों का कर्ज करेंगे माफ, भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलिट्री अदालत में अब नहीं होगा आम नागरिकों का ट्रायल। दिल्ली में 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान होगा शुरू, गोपाल राय ने दी जानकारी। बिहार में 20 लाख से अधिक छात्रों का नाम स्कूल से कटा, 10वीं और 12वीं के बच्चे भी शामिल, नाम कटने से मचा हड़कंप। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा, क्रेन की चपेट में आने से हुआ बड़ा हादसा। उधव गुज के एमएलए रविंद्र वाइकर से 500 करोड़ के घोटाले मामले में पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली में 150 फीट की ऊंचाई पर होगा राम रावण युद्ध, जनकपुरी में 3 घंटे में होती है पूरी रामलीला। समस्तीपुर में 60 फीट का रावण तैयार, पहली बार 4 झांकियों का होगा आयोजन, बाहर से पहुंचे कलाकार। मिड कैंप इंडेक्स के 1060 और सेंसेक्स के 826 अंकों की गिरावट से शेयर बाजार हुआ लहूलुहान, निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान।